एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर जिंदगी में आता है। ओम, मेरा नाम विनय और मेरा जो YouTube चैनल वननेस ऑफ योर बॉडी माइंड एंड सोल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग प्राणायाम के बारे में बात कर रहा हूँ। प्राणायाम का पार्ट वन ऑलरेडी पिछला वीक में हम लोग रिलीज किया हूँ और वो शायद आप लोग देखे होंगे, तो उसका आगे और भी लेके जा रहा हूँ। आज बात करेंगे पार्ट टू के बारे में बात करेंगे और ये इतना वाइटल है मेरा दृष्टिकोण से, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राणायाम से हम लोग का शरीर मौन कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है उसका बारे में बताएंगे। तो जरूर 5 मिनट आपका जिंदगी से मैं लेना चाह रहा हूँ और जरूर इसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे आपका जिंदगी में, ये मेरा मानना है। तो जरूर 5 मिनट आप देख लीजिए और देखने के बाद कैसा आपका वीडियो लग रहा है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज शुरुआत करता हूँ प्राणायाम का सेकेंड पार्ट का, लेकिन इसके पहले एक प्राणायाम का परिभाषा स्वामी सत्माराम जी जो दे रहा है उसका हठपदीपिका में, वो है चलेवतम चलम चितम निश्चल निश्चलन भवेत। वो इधर बोल रहा है जे आपका जब प्राण का गति चलता है उस टाइम मन भी चलता है। प्राण स्टेबल हो जाएगा तो मन आपका शांत हो जाएगा। ऐसे जनरली होता है, आप लोग करके भी देखे होंगे। जनरली क्या होता है, आपका प्राण कंट्रोल, प्राणवायु को कंट्रोल करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन का ऊपर कंट्रोल आएगा। देखिए फास्ट बोल जा रहा है प्राण का ऊपर आप कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा उसको अपना हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा करके उसका हिसाब के कंट्रोल, अपना हिसाब से कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। तो दूसरा जो चीज आपका आएगा वो है आपका मन, जो चंचल मन है उसके ऊपर आपका कंट्रोल आएगा। अरे करके देख लीजिए ये होता है। तीसरा जो लिया रहता है बहुत ही जबरदस्त जो होता है कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपका कोई भी चीज में फोकस करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। कोई भी चीज में, जैसे पढ़ाई में हो गया, कोई बिजनेस में हो गया, कोई डॉक्टर है, कोई एम्प्लॉयर है, कोई भी चीज में आपका कर्म जो कर रहा है उसमें आपका फोकस बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। तीसरा लेयर में वो होगा, पहले हो प्राण कंट्रोल, मन कंट्रोल, उसके बाद जो तीसरा लेयर आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। अभी चौथा लेयर में आ जाता हूँ। चौथा लेयर में बहुत जबरदस्त एक चीज होता है जिसको बोला जाता है आपका थॉट प्रोसेस, जो आप हर टाइम कुछ ना कुछ आप सोच रहे उसका ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। ऑन एन एवरेज साइकोलॉजी का हिसाब से 60,000 थॉट पर डे आता है, उसमें से कुछ पॉजिटिव रहता है और कुछ नेगेटिव रहता है, कुछ चीज रिपीट होता है। तो हम लोग का जो थॉट प्रोसेस रहेगा प्राणायाम करने से देखा जा रहा है, जो ओनली अच्छा अच्छा थॉट, पॉजिटिव थॉट आपका दिमाग में आते रहेगा और जैसे आपका थॉट रहेगा ऐसे आपका शरीर बनते रहेगा। तो ये चौथा लेयर में इसका काम होता है। तो बहुत जबरदस्त चीज है, आपको प्राणायाम के साथ जुड़ के रहना है। चलिए नेक्स्ट लेवल में आता हूँ, फिफ्थ लेवल। फिफ्थ लेवल में क्या होगा, जैसे आपका 4 लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिफ्थ लेवल में जो चीज आएगा वो है आपका इनपुट डिवाइस, जो चीज में आपका शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन जा रहा है वो चीज में आपका कंट्रोल आएगा। जैसे 5 हम लोग का सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय है, वो है चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। तो ये 5 चीज से हम लोग का शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन जाता है। लेकिन आपको ये पता है क्या, क्या आप देखना चाह रहे हैं वही तो आप देख रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं वही तो आप सुन रहे हैं। तो उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा उस 5 नंबर लेयर में होगा। उसके साथ साथ 5 नंबर लेयर में और भी चीज होता है, वो है आपका जो अष्ट चक्र, नीचे से शुरू करके ऊपर तक कोई जाएगा में उसको सप्त चक्र भी बोला गया है। अष्ट चक्र मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, आपका अनाहत, विशुद्धि, अग्न, बिंदु चक्र और सहस्त्र चक्र। अष्ट चक्र का ऊपर आपका कंट्रोल पावर आ जाता है जिसमें आपका एनर्जी सुप्त अवस्था में रहता है, वो जागृत हो जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग साइंस का भाषा में, बायोलॉजी का भाषा में हम लोग देखेंगे तो हम लोग का शरीर जो है नोटो सिस्टम से बना हुआ है, नोटो सिस्टम का ऊपर कंट्रोल आ जाता है। नोटो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। ये नौ सिस्टम से कोई जाएगा, मैं 11 कोई जाएगा, मैं 13 सिस्टम, लेकिन नौ सिस्टम पूरा शरीर को कवर किया है। तो देखिए जबरदस्त, ये पांच नंबर लेयर जब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, जब आप कंट्रोल में आकर लेंगे, तो इसके पास आपका मिराकल हो जाएगा। इसके बाद जो मिराकल होगा छह नंबर लेयर में जो होगा, बॉडी माइंड और सोल, ये तीनों में एक अलाइनमेंट होगा। अलाइन देखिए हम लोग का गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में अलाइनमेंट करना पड़ता है। गाड़ी में अलाइनमेंट ठीक रहेगा तो गाड़ी देखिए लॉन्ग टाइम तक जर्नी करता है, लॉन्ग ड्राइविंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये शरीर रूपी जो गाड़ी है इसको ज्यादा दिन तक चलाने के लिए, ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए आपको तीनों चीज के अंदर एक अलाइनमेंट, एक रूपता बनाना पड़ेगा, वननेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जरूर अब लोग ये बात को समझ गए होंगे प्राणायाम का कितना जरूरत है। आज का जो विषय था कितना आपका वाइटल विषय था। तो वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओम।